एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार बरामद हुई है। देखिए 18 मार्च को दिल्ली से कार चोरी हुई थी और अब वाराणसी से उस कार को बरामद किया गया है। शाहिद और शिवांग त्रिपाठी नाम के दो चोरों को भी पुलिस ने पकड़ा है इस मामले में। ये लोग दिल्ली कार चोरी करके नागालैंड में बेचते थे, ऑन डिमांड कार चोरी करते थे शाहिद और शिवांग त्रिपाठी। ये कार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है, हिमाचल प्रदेश का नंबर है और दिल्ली से चोरी हुई और बनारस में बरामद हुई। कार किसकी? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी पत्नी के नाम ये कार रजिस्टर्ड थी। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। नहीं देखिए, आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है आशुतोष, इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहिद नाम का एक शख्स है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑन डिमांड इन लोगों ने गाड़ी चुराई थी। ये फॉर्च्यूनर कार थी, वीवीआईटी नंबर की ये कार थी जो हिमाचल प्रदेश के उस पर नंबर रजिस्टर था। और उस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गाड़ी है वो रिकवर हुई है। जांच में पता चला है कि 18-19 मार्च को दोनों आरोपी क्रेटा कार से आते हैं और उसके बाद गोविंदपुरी इलाके में जहां पर कार खड़ी थी वहां पर ये दोनों जाते हैं और कार को चुरा करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी जब खंगाला गया तो गुरुग्राम की तरफ से गाड़ी जाती हुई दिखी है। उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश शुरू की गई और तब जाकर गाड़ी को बनारस से बरामद कर लिया गया है और दो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अब तक की जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ऑन डिमांड ये जो दोनों आरोपी थे वो गाड़ियों की चोरी करते थे। अरविंद, मुमकिन होगी कुछ और इसमें गिरफ्तारियां हो और कुछ और कार बरामद हो, क्योंकि ये तो पूरा नेक्सस होगा, ये पहला कोई तो मामला नहीं होगा। ये अलग बात है कि ये पहला सामने आ गया क्योंकि ये तो जेपी नड्डा से जुड़ी हुई कार है, हो सकता है पूरा एक नेक्सस भी सामने आ जाए। नहीं बिल्कुल, और दिल्ली एनसीआर में बात करें तो लग्जरी गाड़ियां वो बड़े पैमाने पर चोरी होती हैं। बीते दिनों एक आंकड़ा भी आया था कि जो गाड़ियां चोरी होती हैं उसमें दिल्ली एनसीआर पहले नंबर पर आता है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नेक्सस है और ज्यादातर जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर से जो गाड़ियां चोरी होती हैं पहले तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती थी, लेकिन अब वो तमाम जो गाड़ियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं और वहीं पर जो उनका चेसिस नंबर है, जो नंबर प्लेट है वो बदल करके फिर उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो एक बड़ा नेक्सस है, जाहिर सी बात है इस नेक्सस का भी खुलासा दिल्ली पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए एक राहत की बात यह है क्योंकि एक वीवीआईपी शख्स की वाइफ की गाड़ी थी और काफी पुलिस की किरकिरी हो रही थी तो पुलिस ने वो कार बरामद कर लिया।